सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन का एरिया निकालना है। देखिए, एक हमारा सर्कुलर कवर टेबल है जिस पर एक डिज़ाइन इस प्रकार से बना है कि बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, और ये हमारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का जो है सो एरिया निकालना। तीनों डिज़ाइन सेम है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों डिज़ाइन सेम है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे जो भी रेडियस दिया होगा। उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उस सर्किल के एरिया में इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा रिमेनिंग एरिया जो हमारा डिज़ाइन का है वो मिल जाएगा। सबसे पहले लिखिए गिवेन डाटा, गिवेन डेटा क्या दिया है, सर्कुलर टेबल का जो है सो रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कवर टेबल, इसको हम आर मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इसमें जो एबीसी हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको छोड़कर जो डिज़ाइन बन रहा है उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले निकालिए देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ए हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर, पाई यूज़ करने बोल रहा है, नहीं बोल रहा है तो हम सिंपल सा लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 32 × 32। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में 228 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा सर्किल का एरिया। सेंटर ओ मान लेते हैं और ये रेडियस दिया था कितना, 32 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये हमारा ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल, जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 × a². अब हमको ये अगर साइड मालूम पड़ जाए तो इसका एरिया मालूम पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओ बी ओ सी दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। 32 ऊपर में लिख दीजिए, ये रेडियस है। अब यहाँ से एक यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, ठीक, परपेंडिकुलर डालिए इस पर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एंगल, तीनों एंगल क्या होगा, 60 60। यहाँ से जो हम इसको ज्वाइन किए हैं ओसी को, यहाँ दो दो भाग में बट जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ जो हम परपेंडिकुलर डाले हैं ये क्या हो जाएगा, ये साइड इसको डी मान लेते हैं, ये भी बराबर हो जाएगा ना, बी डी बराबर डी सी। अब यहाँ क्या करते हैं, हम डी सी को निकालते हैं, उसको दो से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी सी मिल जाएगा, मतलब इस ट्राइंगल का साइड। इसमें इस ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी में लगाइए कॉस 30 डिग्री, इन ट्राइंगल ओ सी डी
इसमें लगाइए आप कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का है क्योंकि यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, हमारा बेस निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, होता है क्या, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा हमारा ओडी, हाइपोटेनस ओसी जो कि रेडियस के बराबर दिया है, यहीं पर लिखते हैं ओडी। ओडी हमको क्या है? निकालना है ना, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। ओडी निकालना है, ओसी दिया है रेडियस 32, देयरफॉर ओडी, ओडी कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 32 × √3, और ये नीचे में है, नीचे में ही रहेगा, यहाँ से एक कट जाएगा 16√3। ये आ गया हमारा ओडी सेंटीमीटर। देयरफॉर बीसी मिल जाएगा ये डीसी में होना चाहिए, यहाँ ओडी कैसे आ जाएगा, डीसी होगा, यहाँ भी डीसी, फिर यहाँ हो जाएगा बीडी प्लस डीसी, क्योंकि बीडी और डीसी आपस में सेम है, बीडी इक्वल टू डीसी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, बीसी इक्वल टू बीडी प्लस या डीसी प्लस डीसी, क्या हो जाएगा 2 times DC। यहाँ से बीसी मिल जाएगा हमको 2 × DC, डीसी कितना निकाले हैं, यहाँ भी डीसी हो जाएगा 16√3, ये हो गया 32√3 cm, और ये बीसी हमारा हो गया इस ट्राइंगल का एक साइड, मिल गया एक साइड मिल गया, यहाँ पर रख दीजिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया हमारा हो जाएगा, यहाँ इसको A माने थे, इसको हम A डैश कह देते हैं, A डैश हमारा हो जाएगा √3/4 × A² √3/4 A एक जगह पर 32√3² √3/4 32√3² है, दो बार लिखेंगे, अब यहाँ से ये कट जाएगा 4 × 8 = 32, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और फिर ये √32√3 × 8 भी है, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 7 6 8√3 cm². ये हमारा हुआ ट्राइंगल का एरिया, अब हमको निकालना है उस डिज़ाइन का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ डिज़ाइन का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ए, ट्राइंगल का एरिया ए डैश, एक काम कीजिए आप, इसको A2 मानिए, इसको A1 मानिए, A1 जहाँ जहाँ A है इसको A1 कीजिए, जहाँ जहाँ A डैश है उसको A2, एरिया ऑफ डिज़ाइन को आप A मानिए, तो A यहाँ से मिल जाएगा A1 - A2, A1 कितना है π r² 2 2 5 2 2 2 5 2 8 डिवाइडेड बाय 7 माइनस A2 6 7 6 8√3 cm² है, cm², यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 cm विथ सेंटर्स
A, B, C and D. Four circles are drawn such that each circle touch externally two of the remaining three circles. Find the area of shaded region. मतलब क्वेश्चन का हुआ, ये फोर सर्किल दिया है जिसका सेंटर ए बी सी और डी, प्रत्येक सर्किल जो है, सो इच सर्किल, ये फोर सर्किल है, फोर सर्किल में इच सर्किल जो है सो रिमेनिंग थ्री सर्किल को वो जो है सो टच कर रहा है। ये देखिए, दो सर्किल को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसमें से तीन सर्किल बचता है, दो सर्किल को ये टच कर रहा है, रिमेनिंग थ्री सर्किल, इन रिमेनिंग थ्री सर्किल्स इच सर्किल टचेज टू सर्किल्स, तो दो को ये टच करता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा एक रीजन बन रहा है, जो हम डार्क किए हैं, इसी का एरिया हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से ये हमारा साइड हो गया स्क्वायर का, कितना है 14 सेंटीमीटर, यहाँ दिखा देते हैं इसको 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर इस सर्किल का, इसका आधा 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, इधर भी 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है दोनों साइड, चारों साइड जो है सो साइड बराबर होगा, रेडियस सेम हो जाएगा सबका, 7 cm 7 cm। अब रेडियस मिल गया है, ये देखिए एक सर्किल है, मान लेते हैं इसको चार बराबर भाग में डिवाइड कीजिए, एक जो ये पार्ट मिल रहा है इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, कुछ इसी तरीके से यहाँ भी है, ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें उसके बाद जो है सो इसका एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका इसका, चारों एरिया निकालने के बाद चारों को आपस में ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर के एरिया में इस क्वाड्रेंट का एरिया जो है सो माइनस कर देंगे, और उसमें भी क्या इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको चार से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक जो है सो सबका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि सबका रेडियस सेम है। गिवन डेटा, क्या दिया है, लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर साइड क्या दिया है, ए, मान लेते हैं ए 14 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर यहां से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस ऑफ ईच गिवन सर्किल, आर मान लेते हैं वो हो जाएगा 14/2 7 cm। अब क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसको सपोज a1 हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर, मतलब 14 × 14, यहां से a1 हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया निकल गया। अब दूसरा एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, इसको हम a2 कह देते हैं, a2 हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, अगर कंप्लीट सर्किल रहता है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट बन जाता है, इसका एरिया अगर निकालना हो तो इसको चार से आप डिवाइड कर दीजिए, तो वही यहां करते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, चूंकि यहां क्वाड्रेंट चार है, ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया हो गया, यहां पर चार, तो चार से मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू रखिए, रेडियस, रेडियस निकाले हैं 7 × 7 हो जाएगा, 1 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, a2 कितना, 7 × 14 7 × 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। अब हमको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, देयरफॉर एरिया ऑफ Thank you.
शेडेड रीजन, इसको आप कैपिटल ए बोलिए, यहाँ से मिल जाएगा ए, तो ए हमको क्या होगा, स्क्वायर का एरिया ए वन माइनस क्वाड्रेंट का एरिया ए टू। स्क्वायर का एरिया कितना निकाले हैं, 196 माइनस क्वाड्रेंट का एरिया 154, क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मिल गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया था। ये आपका आंसर हो गया।